Hi guys, it's me Ritali. Welcome back to my channel. I hope all of you are fine and enjoying this lockdown period at your home with your family members. So, आज है 15th of April, Wednesday and आज मैं पूरा दिन vlog करने वाली हूँ. ये vlog specially food के related रहेगा. मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं breakfast से लेके dinner तक क्या क्या आज ऐसे बना रही हूँ और खा रही हूँ. तो आई थिंक यू नो उससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा खाना बनाने के लिए. ये जो मैं लॉकडाउन वाला सीरीज बना रही हूँ, ये आज का वीडियो मेरा फिफ्थ वीडियो है. मैं ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुकी हूँ एंड वो 4 वीडियो में मैं काफ़ी सारे चीज के बारे में बात कर चुकी हूँ. देन आई थॉट वाई नॉट टू मेक अ स्पेशल फूड रिलेटेड व्लॉग, क्योंकि अभी हम लॉकडाउन में हैं, फूड इंग्रेडिएंट हमें बहुत कम सप्लाई हो रहा है आजकल. तो वेजिटेबल किसी के पास कम होता है, किसी के पास ग्रोसरीज कम होते हैं और बाहर फ्रिक्वेंटली जाना इज़ नॉट सेफ, यू नो दैट. सो मैं आज ऐसे ट्राई करूँगी कि मैं ऐसा कुछ डिशेस बनाऊँ जिसमें आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और कम टाइम में खाना बना सकते हो, मैं ताकि आप लोगों को भी हेल्प होगा. यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट. सो अभी मॉर्निंग का टाइम है, आई विल शो यू कि मैं क्या बना रही हूँ. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू हैव नॉट इट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब. तो ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ आज बनाना पैनकेक एंड इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 बनाना एंड इसे मैं एक फॉक से अच्छे से क्रश कर दूँगी. देन आई विल ऐड 1 कप ऑफ मैदा, लिटिल बिट ऑफ बेकिंग सोडा, 1 एग एंड थोड़ा सा मिल्क एंड 2 स्पून ऑफ शुगर. देन आई विल मिक्स एवरीथिंग प्रॉपरली. बैटर मेरा यहाँ पे रेडी हो गया है. अभी मैं एक पैन को गरम करूँगी एंड उसमें मैं पैनकेक बनाऊँगी. अभी मैं पैनकेक के ऊपर नुटेला का टॉपिंग डालूंगी. वैसे तो ये पैनकेक बिना नुटेला का भी खा सकते हैं, बट आई जस्ट लव माई पैनकेक विथ नुटेला एंड दैट्स इट. बन गई मेरी बनाना पैनकेक विथ नुटेला. हाय गाइस, तो ब्रेकफास्ट खत्म हो गई है और अभी मैं लंच बनाने आई हूँ. इट्स टाइम 12:30 नाउ. मैं आज बनाऊंगी पनीर बिरयानी. पनीर बिरयानी मैं प्रेशर में बना रही हूँ. इसको बनाने के लिए मैक्सिमम 30 to 45 मिनट ही लगेगा. तो पनीर बिरयानी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 पैकेट पनीर एंड उसे मैं छोटा छोटा पीस में कट कर लूँगी. तो फर्स्ट मैं पनीर को मैरिनेट करने जा रही हूँ दही से. इस पर मैं सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी. वैसे तो पनीर को मैक्सिमम 1 घंटा तक मैरिनेट कर सकते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं बस 15 मिनट के लिए ही मैरिनेट करूँगी. एंड बाय द टाइम पनीर इज़ गेटिंग मैरिनेटेड, आई विल अरेंज द अदर थिंग फॉर द बिरयानी. तो सारा इंग्रेडिएंट मेरा रेडी हो गया है. अभी मैं बिरयानी प्रेशर में बनाना स्टार्ट कर रही हूँ. पहले मैं प्रेशर में ऑयल डाल के फिर 1 प्याज डालूँगी और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करूँगी और उसको मैं निकाल दूँगी. दिस इज़ जस्ट फॉर मैं इसको बिरयानी के ऊपर ही डालूँगी. आप अगर चाहो तो ये प्रोसेस स्किप कर सकते हो. देन मैं फिर से उसी ऑयल में स्पाइसेस ऐड करूँगी एंड ओनियन ऐड करूँगी टू प्रिपेयर द मसाला फॉर द बिरयानी. नेक्स्ट मैं 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी एंड 1 टमाटर ऐड करूँगी.
एंड मसाला प्रॉपरली कुक होने के बाद आई विल ऐड द मैरिनेटेड पनीर इनटू दिस। अभी मैं बिरयानी का लेयर बनाऊंगी। फर्स्ट आई विल ऐड 2 कप ऑफ राइस, 1 टेबलस्पून ऑफ घी, चॉप्ड कोरिएंडर एंड मिंट लीफ एंड सम चिलीज, एंड देन विल ऐड द फ्राइड ओनियन एंड फाइनली विल ऐड 4 कप ऑफ वाटर इनटू दिस। हमेशा पानी जो है वो राइस की क्वांटिटी के डबल होनी चाहिए। तो अभी मैं प्रेशर को बंद कर दूंगी एंड विल वेट फॉर 3 to 4 विसल्स। अभी मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ, पता नहीं कैसा होगा। एंड माई डिलीशियस पनीर बिरयानी इज रेडी नाउ। तो आज इवनिंग में हम बना रहे हैं कॉफी केक एंड गेस व्हाट, मुझे आज कौन हेल्प कर रहा है? ये फर्स्ट टाइम हम केक बना रहे हैं, इससे पहले हम कभी केक नहीं बनाए हैं। तो कॉफी केक बनाने के लिए मैं पहले लूंगी 1/2 कप ऑफ ऑयल, 1/2 कप सुगर एंड 1 टेबलस्पून ऑफ कॉफी, इंस्टेंट कॉफी पाउडर एंड 2 होल एग। एंड ये सारे चीज़ को मैं मिक्सी में अच्छे से मिक्स करूँगी अप टू 5 मिनट। ये अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैं इसको और एक बाउल में लूँगी और इसमें मैं मैदा धीरे धीरे ऐड करूँगी विथ 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। हमेशा केक का जो बैटर बनता है उसको अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी होता है, बट यहाँ पे मैं पहले अंडा को अच्छे से ग्राइंड कर चुकी हूँ, तो 3 to 4 मिनट मिक्सिंग इज़ एनफ हियर। ये केक रेडी ओवन में जाने के लिए, तो इसका जो भी प्रोसेस है मैं यहाँ पे लिख दूंगी, मुझे भी याद नहीं है। तो ये बन गया है हमारा कॉफी केक और लुक एट द कलर, पता नहीं ये शायद जल गया है। हम माइक्रोवेव पे पहली बार केक बना रहे थे, हमें नहीं पता था प्रोसीजर, तो ये 2 बार प्रीहीट हो गया। Not bad, but और अच्छा हो सकता था, कोई नहीं। तो कॉफी केक इतना भी खराब नहीं था, इट्स जस्ट दैट कि हमें ये माइक्रोवेव का फंक्शन इतना नहीं पता है। आई एम ट्राइंग माई हैंड ऑन बेकिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, टेस्ट वॉज गुड। सो मैं सोच रही हूँ मैं इस वीकेंड को फिर से कुछ और एक केक बनाने की ट्राई करूंगी। तो अभी डिनर का टाइम है, डिनर में मैं कुछ लाइट बनाने का सोच रही थी, देन आई रियलाइज्ड आई हैव दिस पालक है। पालक के पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं, मेरे घर पे बहुत बार बनाया गया है, तो मैं सोच रही हूँ आज पालक पराठा बनाऊंगी। ये इजी होता है बट मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। पालक पराठा बनाने के लिए पहले मैं पालक को अच्छे से धो के 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी, फिर मैं उसको सॉल्ट एंड जीरा पाउडर दे के ग्राइंडर में अच्छे से मिक्स करूँगी। पालक का जो पेस्ट है ये अच्छे से बन गया है, इसको मैं अभी आटा में मिक्स करके पराठा के लिए डो बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं कुछ चॉप्ड ओनियन और चॉप्ड चिलीज मिक्स करके एक मसाला बनाई हूँ। वैसे तो मेरा प्लान था कि पालक पराठा सिर्फ नॉर्मल वाला बनाने के लिए विदाउट एनी स्टफिंग, बट मैं और कुछ ऐसा बना नहीं रही हूँ क्योंकि हम बहुत कुछ खा चुके हैं इसीलिए, बट खाली पालक का पराठा ड्राई हो जाएगा, देन आई थॉट टू मेक दिस स्टफिंग। ये बहुत ही सिंपल सा स्टफिंग है। अभी हम पराठा बनाने जा रहे हैं।
रेडी विथ माय डिनर और पराठा के साथ मैं बस ये थिक वाला रायता बनाई हूँ दही का। और पराठा जो है इसका हम डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाए हैं, ये प्याज का स्टफिंग वाला राउंड वाला पराठा और ये वाला शेप देखिए, दिस इज व्हाट दिलीप मेड, ये एक ट्रायंगल वाला है एंड ये नॉर्मल सा क्रंची वाला पतला सा है। आई एम गोइंग टू एंजॉय माय डिनर। आज का वीडियो आई थिंक यहीं पे रखते हैं, काफी लंबा हो गया है। मैं सुबह से बहुत कुछ दिखा रही हूँ, ये वीडियो में मैं काफी चीज दिखा चुकी हूँ। ये वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मैं मिलूंगी आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो में। That's it. ये वीडियो अगर अच्छा लगा गिव इट अ बिग थम्स अप, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, फ्री है बिल्कुल भी। That's it. Follow me on Instagram. I will see you guys next time. Till then, bye bye. बहुत अच्छा बना है, ट्राई दिस आउट एट योर ओन। अगर ट्राई करे हो देन डू लेट मी नो। बाय।